को और उन्नत और किफ़ायती बनाने की बात और प्रस्ताव किए गए थे। इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर जुड़ गए हैं। विशाल, एक बड़ी सौगात हम कह सकते हैं किसानों को दी गई है, जिसे राष्ट्र का अन्नदाता कहा जाता है, यानी उच्च उपज देने वाली तमाम वो 109 किस्में जो कि अब क्लाइमेट रेजिस्टेंस और रिजिलियंट भी रहेंगी जलवायु परिवर्तन के अनुकूल। बड़ा तोहफा किसानों को। देखिए आंचल, आज जो क्लाइमेट चेंज है वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, और खास तौर से भारत के लिए जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन को जिसको केटर करना है। तो जो मोदी सरकार का जो विजन है वो लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से आप कैसे उसको जमीनी हकीकत पे उतारेंगे। आज जो प्रधानमंत्री ने 109 किस्मों की जो फसलों की किस्में हैं जो क्लाइमेट रेजिलियंट है, यानी कि गर्मी सर्दी बरसात का मुकाबला करने के लिए ये फसलें तैयार है पूरी तरह से, उसके अलावा भी ये हाईली न्यूट्रिशियस है, ये बायो मॉडिफाइड है, तो ये जो फसल है ना सिर्फ किसानों की लागत को कम करेगी, उनकी आय को बढ़ाएगी, बल्कि जो लोग इसको खाएंगे यानी कि देश की जनता, उनके लिए भी ये हाईली न्यूट्रिशियस फूड होगा। और इसके अंदर श्री अन्न जिसे हम मोटा